सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। और मैं आ चुकी हूँ नए हॉल के साथ, और आज का हॉल थोड़ा सा अच्छा है, प्यारा है, क्योंकि हर किसी के ना ड्रेसिंग सेंस चूज करने का अलग अलग होता है। तो शायद मेरा भी है, शायद मैं अपने हिसाब से तो बेस्ट कर रही हूँ। आई थिंक इन चार पांच जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की, इसमें से शायद आप लोगों को भी एक आध कोई तो अच्छा लग जाएगा। नहीं लग जाएगा तो आप खुद ही स्क्रॉल करके और भी देख लेंगे। सो चलो, मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था और वो किस किस रेंज के हैं। एक तो मैं बता दूँ, बहुत अफोर्डेबल प्राइस के। सबको पता है कि मीशो में कपड़े बहुत ही सही मिल जाते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी हम मिंत्रा से मंगाते हैं और वही सेम सूट अगर हम मीशो से मंगा रहे हैं तो क्वालिटी प्राइस का मतलब क्वालिटी तो नहीं बोलूँगी, क्वालिटी भी मीशो में कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मिंत्रा में ही क्वालिटी अच्छी आएगी, कभी कभी प्राइस का बहुत फ़र्क होता है कि मीशो में आपको सस्ता मिल जाएगा और मिंत्रा में वही बहुत ज़्यादा महंगा होगा। सेम सूट की बात कर रही हूँ तो कभी कभी ये होता है। तो फर्स्ट जो मैंने मंगवाया था, वो मंगवाया था, ब्रांड नेम है ग्रीक लुक्स, और वोमेन की सेट कॉलर टॉप एंड बॉटम सेट पूरा पैक है, जिसे कोऑर्डिनेट सूट भी बोलते हैं, एक जैसे लगते हैं दोनों, वही सबका हॉल है आज। मतलब मैंने 4 से 5 मंगवाए थे, सो वही सब मैं दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट वाला ये है जो मैंने इंस्टाग्राम पे ना, इसका मैं एक रील में शायद लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा। ये कलर भी प्यारा लग रहा है और इसका कपड़ा भी अच्छा है, बट मैंने इसको साइड से ऐसे बांध लिया था। आप इसको प्रॉपर सर्कल में करके आगे बेल्ट लगा सकते हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सेट पहने तभी अच्छा लगेगा। आप जीन्स में, मैंने वाइट जीन्स के साथ इसको, वाइट पैंट के साथ मैंने इसको डाला था, आप किसी के साथ भी पहन सकते हो। और उसकी स्लीव्स है 3/4, सो ये अच्छा लग रहा था, थोड़ा बढ़िया लग रहा था। और इसका कपड़ा तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इस टाइप की इसमें बेब्सी बनी है। सो ये था फर्स्ट। इसके साथ बॉटम में पैंट भी था। सो ये पूरा सेट है, अगर आप प्रॉपर सेट पहन के जाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर सेट पहन सकते हैं, सेट के लिए पहनना चाहते हैं तो आप सेट भी पहन सकते हैं। सो ये था, और इसका प्राइस था आई थिंक 400। सो बर्थ है और इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि जब हम कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं 400 से सस्ता आप क्या लेंगे, बताइए। सो फर्स्ट मेरा ये था। सेकेंड की बात करूँ तो सेकेंड ब्रांड नेम लुक्स का है, और वो भी टॉप एंड बॉटम का सेट थी। मुझे बहुत प्यारा लगा था क्योंकि उसकी मैंने प्रॉपर रील डाली है। सो सेकंड वाला ये है। इसका मुझे ना बेसिकली कलर बहुत ही प्यारा लगा है, और जो स्लीव्स है ना, ये कुछ डिफरेंट है, इस टाइप से बनी हुई है। एक ये था इसका, और बॉटम में इसका पैंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो पैंट ये था इसका, पूरा सेट है। अगर आप प्रॉपर सेट पहन के जाएंगे ना तो भी आप बहुत डिसेंट से बहुत ही प्यारे लगेंगे। सो इसका भी प्राइस ऐसे ही था, 400 समथिंग था। और मैं सारे लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, जिससे आप आसानी से देख सकते हो कि आपको कोई अच्छा लग रहा है। मुझे ये वाला पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। मैंने ना इसका साइज थोड़ा सा बड़ा मंगाया था, क्योंकि आजकल लूज पहनने का मेरा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मन कर रहा है। वैसे तो मेरे साइज एम आता है, लेकिन मैंने इसका एल मंगाया था। एल भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, एम साथ थोड़ा बहुत टाइट होता, लेकिन एल बहुत अच्छा लग रहा था। ये था। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड जो ब्रांड का तो इसमें नेम नहीं दिया था, लेकिन मतलब कि आप बीच पे पहन सकते हो। वो कुछ वैसे ही उसमें पैटर्न बना है, वैसे ही उसमें चीज़ें बनी है कि आप ऐसे शायद नॉर्मली ना पहन पा। और उसमें शॉर्ट हाफ पैंट है और एक ऊपर का सेट है। सो वो उसकी बात कर रही हूँ तो वो ये है। सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा, मल्टी कलर में है, स्लीव्स कुछ इस टाइप की। ऑब्वियसली इसको आप ऑफिस में तो नहीं पहनोगे, ये ऐसे थोड़े से कलर पहन भी सकते हो, मेरी तरह तो कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नहीं पहनोगे। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो ही आप पहनोगे, क्योंकि इसका जो पैटर्न है उसी टाइप का है। सो ये है इसका, और जो इसका पैंट है वो है इस टाइप का, शॉर्ट पैंट है। सो ये है, और इसका मात्र प्राइस है 421 रुपये कुछ करके था। और सारे के सारे जो भी मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे, मैंने रिव्यू सबसे पहले चेक किए थे, जिसके 4+ हो वही मैंने सब मंगवाया। तो थोड़े से शायद महंगे लग सकते हैं, लेकिन मुझे 400 इतना महंगा नहीं लग रहा है। फोर्थ वन की बात करूँ तो फोर्थ वन वोमेन का पूरा कॉर्डरेट सूट है, जो कि सूट टाइप का है, वो सेट है सूट टाइप, बेसिकली अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने मंगवाया। ये अभी तक मैंने नहीं पहना, आज ही मैं आपको पहन के दिखाने वाली हूँ। ये है,
और इसकी स्लीव्स इस टाइप की है, 3/4 इसकी स्लीव्स भी, और कपड़े सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फैब्रिक अच्छा है। सो ये सेट, और इसमें पैटर्न कुछ कुछ इस टाइप के बने हुए हैं जो अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं। और सामने से पूरा आप ओपन भी कर सकते हो, जितना आपको बंद करना हो पूरा इस टाइप का बना हुआ। इसके साथ जो पैंट है वो भी सेम पैटर्न में है, क्योंकि कॉर्डरेट सूट का मतलब ही होता है कि पैंट एंड ऊपर का जो चाहे तो शर्ट टाइप की हो या कुर्ता टाइप की हो, सेम ही पैटर्न में होगा। सो ये इसका पैटर्न है, पैंट है, पैंट में इस तरह से इलास्टिक बनी है और ये काफ़ी स्पेस से काफ़ी बड़ा है। देखो इसकी ब्रिथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो ये थे, और एक ना आजकल पर्ल वाला चल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली मैंने एक जूट का सूट किया था, उसके लिए मैंने मंगवाया था, वो भी मैंने मीशो से ही मंगवाया। लिटरली मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा इतना सस्ता मुझे कैसे मिल गया। वो सिर्फ मुझे मिला था 126 का, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और मुझे पहनने पे भी एकदम मैं लग रही थी रानी साहबा टाइप। अच्छे लगते हैं रिसेंट से पर्ल, जो कि ये है। सो ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं तो इसको 5 स्टार दे दूँ। ये है, और इसके साथ 2 ईयरिंग भी आए हुए हैं जो कि इसी में ऐड है, अभी मैंने ईयरिंग पहने नहीं है। सो ये था, सारे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना, शायद आपको कोई अच्छा लग जाए इनमें से तो आप मंगा सकते हो। और हाँ, ये जो मैंने एक इवेंट के लिए मंगवाया था वो मेरा इवेंट कैंसिल हो गया, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पर सूट ही अलाउड था, इसलिए मंगवाया था। सो ये भी मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन ये मिंत्रा से मंगवाया था, इसकी क्वालिटी एकदम हार्ड है, मतलब कि लिटरली जो फैब्रिक है ना, जो प्योर कॉटन होता है ना वो है, और जो इसमें धागे के जो इस तरह से बने हुए हैं ना, धागे के जो छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं, सो ये वो है। सो मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सारे मीशो के प्रोडक्ट कर दूंगी। नेक्स्ट हॉल के साथ जल्दी आऊँगी, और हाँ, ब्लॉग तो मेरा डेली आता रहेगा, हॉल भी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आए, कुछ नया नया आए। अच्छा, सो बाय।